बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि नी प्रिजर्वेशन होता क्या है, नी जॉइंट प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, नी जॉइंट प्रिजर्वेशन से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और कब हम नी जॉइंट प्रिजर्वेशन के से रिलेटेड कोई प्रोसीजर करते हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर देवेश चंद्र है, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज प्रिजर्वेशन सर्जन। मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रिजर्वेशन से रिलेटेड मतलब कि बचाने वाली कौन से ऐसी प्रोसीजर्स है जिससे हम घुटने को बचा सकते हैं। ऑल अराउंड नी प्रिजर्वेशन जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्जरी सामने आती है जिसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी, मुझे लगता है इसके बारे में अगर हम ना बात करें तो ये प्रिजर्वेशन प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट नहीं होगा। प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग एक हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी की बात करते हैं, जैसे कि जब हमारा किसी कारण से घुटने का जो कंपार्टमेंट होता है, घुटने में तीन तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, सबसे पहले उसे समझे, इनर कंपार्टमेंट, मीडियल ग्रैंड स्पेस, आउटर कंपार्टमेंट मतलब कि लैटरल ग्रैंड स्पेस एंड पैटेलोफेमोरल जॉइंट जो नीकैप और थाई बोन के बीच में होता है। अगर हमारा किसी कारण से नी का एक पार्ट इनर या आउटर पार्ट वेयर आउट कर रहा है, घिस रहा है और उसमें वेयर एंड टेयर के चेंजेस आने शुरू हो गए, तो उस केस में हम लोग एक अलाइनमेंट चेंजिंग सर्जरी करते हैं जिसे हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी मतलब कि टिबिया लेग बोन के ऊपरी साइड में होने वाली ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी का मतलब है हम बोन्स को कट करके अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, जो कि इनर साइड में भी हो सकते हैं और आउटर साइड में भी हो सकते हैं, दोनों ही तरफ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका कार्टिलेज या मेनिस्कस घिस गया है, मेनिस्कस की प्रॉब्लम्स हो रही है या वेयर आउट हो गया है, तो हम उस समय उसको ओपन वेज ऑस्टियोटॉमी इनर साइड से करते हैं और जॉइंट लाइन को हम अलाइनमेंट लाइन को चेंज करके ऑपोजिट साइड में कर देते हैं। अगर किसी का लैटरल मेनिस्कस, आउटर मेनिस्कस या आउटर कार्टिलेज घिस गया है, तो हम उसको अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए ओपन वेज फ्रॉम द आउटर साइड या क्लोजिंग वेज फ्रॉम द इनर साइड करके हम लोग अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं। अलाइनमेंट चेंजिंग की सर्जरीज को जब हम करते हैं तो उसे हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, क्योंकि टिबिया के लोअर बोन के अपर पार्ट में ये सर्जरी हो रही है और बोन को कट करके अलाइनमेंट को चेंज कर रहे हैं, जिसे हम ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। उन ऑस्टियोटॉमी में हम इस तरह की कुछ प्लेट्स जो है इनर या आउटर साइड में लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का ऑस्टियोटॉमी कर रहे हैं। ये ऑस्टियोटॉमीज कैसे प्रिजर्व करती है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारा गाड़ी का टायर जो है वो टेढ़ा लगा हुआ है और आप उसको करेक्ट सीधा नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपका गाड़ी का टायर घिसते घिसते एक टाइम में फट जाएगा। तो उसी तरह हम अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरीज में क्या करते हैं कि जैसे पुराने टाइम में टायर एक साइड घिस गया तो हम चेंज करके उसका अलाइनमेंट जो ओरिएंटेशन है उसे चेंज कर देते थे और आउटर साइड पर वेट बेयरिंग दोबारा से आ जाता था। उसी तरह हम लोग नॉक नीज में उसको स्ट्रेट कर देते हैं, बो लेग्स में उसको दोबारा से स्ट्रेट करके अलाइनमेंट को शिफ्ट करके दूसरी साइड में जिस तरफ कार्टिलेज अच्छा है उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये प्रिजर्वेशन कैसे है मैं बताता हूँ कि अगर हम इसी जगह पे कंटिन्यूसली वेट बेयर करते रहें, जैसे मीडियल जॉइंट स्पेस खराब हो गया और हम उस पर कंटिन्यूसली वेट बेयर करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा जब बोन घिसते 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 बोन टू बोन कॉन्टैक्ट आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इनर पार्ट भी घिस गया तो आउटर पार्ट भी अपने आप ही घिसना शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलर ग्रैंड भी घिसना शुरू हो जाएगा। नाउ टू प्रिवेंट दिस हम लोगों ने जैसे अलाइनमेंट करेक्शन की, जॉइंट स्पेस को ऑपोजिट साइड पर चेंज कर दिया और उससे क्या होता है कि हमारा जो आउटर कार्टिलेज वो भी यूज़ होने लग जाता है, या बहुत समय हम दोनों पार्ट में दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल प्रेशर डालने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा चलना फिरना स्मूथ हो जाता है और जॉइंट की लॉन्गिट्यूडिटी बढ़ जाती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग ये प्रिजर्वेशन कैसे है, क्योंकि ये जॉइंट के फोर्सेस को बीच में न्यूट्रलाइज कर दे रहा है ताकि जॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेट बेयरिंग हो और जॉइंट के दूसरे एरियाज जो खराब नहीं हुए उन पे भी वेट पड़े। क्या इनसे बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट फायदा मिलता है? हाँ मैं बोलूँगा यस। जब नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ करता था, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बहुत ही कारगर सर्जरी मानी जाती थी जिससे पेशेंट का पैर भी सीधा हो जाता था और पेन भी चला जाता था, बट क्योंकि नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सुपर रिजल्ट लेके आती है, 30 साल का रिजल्ट, लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी है, जिनकी एज 50 या 60, 55 या 60 के ऊपर हो गई है उनकी अगर सर्जरी करें तो 30 साल ऐसा इम्प्लांट लास्ट कर सकता है। तो इसके कारण ये जो है सर्जरी, मतलब मुझे लगता है कि किसी कारण इसी कारण से वो आउटडेटेड बन गई। बट नाउ विथ मल्टीपल इंजुरीज, जैसे लोग आजकल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अलाइनमेंट इशूज़ होता है, एक्टिव लाइफस्टाइल है या किसी किसी का सिलेंड्रिक लाइफस्टाइल है, हैवी वेट है, जिसके कारण वेयर आउट, वेयर एंड टेयर ऑफ वन पार्ट ऑफ द जॉइंट हो जा रहा है।
तो यंगर पेशेंट्स में, जैसे जिनकी एज 20s, 30s, 40s में है या 45, 50s से कम एज ग्रुप का, उन लोगों में हाई टेबल एस्ट्रोडाइन बहुत कारगर साबित होती है। तो उनमें क्या होता है कि हम कम से कम 15 से 20 साल के लिए नी को प्रिजर्व कर लेते हैं और आगे डैमेज होने को बहुत समय रोका भी जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका टाइमली हाई टेबल एस्ट्रोडाइन करके हम लोगों ने उनकी सर्जरीज को सालों के लिए रोक दिया है, या हो सकता है उनको कभी नहीं रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। हाई टेबल ऑस्टोडोमी के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है। कौन आइडियल कैंडिडेट है हाई टेबल ऑस्टोडोमी का? सिंगल कंपार्टमेंट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होना, इसमें मतलब कि दोनों जो कंपार्टमेंट है उसमें क्लियरली एक कंपार्टमेंट प्रॉब्लमेटिक है, दूसरा कंपार्टमेंट कम्प्लीटली अच्छा है। जैसे हम उसको कन्फर्म कैसे करेंगे, जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज MRI कभी हम कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ जॉइंट फर्स दूसरी साइड में बिल्कुल अच्छा है। पटेलोफेमोरल जॉइंट में बिल्कुल आर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, हमारे लिगामेंट्स जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, सीएलपीसीएल लिगामेंट्स जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर ये इंजरी हुई है तो उनको भी हो सकता है साथ में रिपेयर करने की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब खेलना भागना दौड़ना चाहते हैं, वो लोग आइडियल कैंडिडेट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनका बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, हाउसवाइफ सोचिए, वेट बहुत ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, एक्टिविटी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा नहीं है, फैट बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, डज नॉट एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। वे लोग फिट होना चाहते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि हाँ डॉक्टर्स को कि हाँ हम फिट होंगे, फिट करेंगे अपने आप को, अगर नहीं ठीक होता है तो उन लोगों ने भी हाई टेबल एस्ट्रोनॉमी ये अंदर एज ग्रुप पर डेफिनेटली हेल्पफुल होती है। कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि क्या सर ये एज एकदम एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है? मैं बोलूँगा नहीं, एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है हाई टेबल एस्ट्रोनॉमी। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनकी 60s की एज है बट उनके बाकी जॉइंट्स कम्प्लीटली अच्छे हैं, एक ही जॉइंट में मीडियल कंपार्टमेंट जॉइंट इशू है और बोन हेल्थ बहुत अच्छी है, एक्टिव एथलेटिक लाइफस्टाइल मेंटेन किया, तो इवन 60-65 में भी हाई टेबल एस्ट्रोनॉमी किया जा सकता है। बट डेफिनेटली इज बेटर बट रिप्लेसमेंट हो जाती है, बट आइडियली इट शुड बी लेस देन 50 है एक्टिव लाइफस्टाइल करने वाले लोगों के लिए ये एज ग्रुप है। डेफिनेटली यस, एज इज़ नॉट ए बाउंड्री फॉर देम। मेनी ऑफ द पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी 60-65 पे जाके हाई टेबल एस्ट्रोनॉमी किया और वो बहुत अच्छे से हैप्पीली वो अपने लाइफ लीड कर पा रहे हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि पेशेंट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे किसी प्रायर सर्जरी से कोई इन्फेक्शन हो गया जॉइंट के अराउंड, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कार्टिलेज कम्प्लीटली पूरे जॉइंट के अराउंड खराब हो गए और मल्टी लिगामेंटस इंजरी है, उनमें शायद हो सकता है हाई टेबल एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ऐसे पेशेंट्स जिनमें लिंब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है मतलब पैर बड़ा छोटा है, तो हाई टेबल एस्ट्रोनॉमी से आपका पैर बड़ा छोटा जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे ये भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, अगर आपका एक पैर बड़ा या छोटा है और एक में छोटे पैर में आपको अगर आर्थराइटिस के सिम्टम्स एक पर्टिकुलर पार्ट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली हाँ आप हाई टेबल ऑस्ट्रोडोमी से हाइट गेन भी कर सकते हैं, कम से कम 1-1.5 सेंटीमीटर हाइट गेन कर सकते हैं, उससे आपका हो सकता है लिंब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी ठीक हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पेशेंट्स पूछते हैं ऑस्ट्रोडोमी से रिलेटेड, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रोडोमी के बारे में जाने बहुत लोगों को लगता है कि अलाइनमेंट चेंज करना हाई टेबल ऑस्ट्रोडोमी पर पेशेंट बेडरिडन रहता है, ऐसा नहीं है। आप सेम डे से वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट वेट वेरी या वेट बेरिंग वॉकिंग हुए, अगर आपको डॉक्टर बताता है कि हाँ आपकी ब्रोस बहुत स्ट्रांग है तो वेट बेरिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज के इम्प्लांट्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया है, इवन सर्जरीज भी पेन फ्री हो गई है। बहुत सारे लोगों का डर रहता है कि ऐसे ऑस्ट्रोडोमी में बहुत पेन होता है, मुझे लगता है कि नहीं। तो मुझे कुछ ऐसे वीडियोज़ भी मैं इस पर शेयर करूँगा जिसमें पेशेंट्स खुद सर्जरी के बाद हैप्पी हैं, दे आर पेन फ्री आफ्टर हाई टेबल ऑस्ट्रोडोमी। सो कंसिडर हाई टेबल ऑस्ट्रोडोमी अगर आपका अलाइनमेंट एरर है और एक ही बात में इसे हम करेक्ट करना चाहते हो, तो यस दिस इज़ राइट सर्जरी टू थिंक अबाउट।